साम्राज्य, दाऊद का ठिकाना, दाऊद का व्यापार, दाऊद का रसूख, दाऊद की डी कंपनी, दाऊद का बॉलीवुड कनेक्शन, दाऊद का खौफ, 1993 का सीरियल बम ब्लास्ट, दाऊद को पाकिस्तान से संरक्षण, कैसे जीता है दाऊद अपनी जिंदगी, दाऊद की डी कंपनी मुकेश अंबानी से भी आगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। दाऊद एक ऐसा नाम जिसने काम और कारनामों में अपनी छाप देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में छोड़ी है। दाऊद ने अपनी जिंदगी में छोटे से लेकर बड़ा हर वो काम किया जो नाम और काम दोनों के लिहाज से गलत था, लेकिन दाऊद के लिए पैसा ही रसूख और प्यार था। चाहे वो चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, ड्रग्स या फिर किसी की हत्या ही क्यों ना हो, जब 1993 का सीरियल बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें लगभग 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हुए थे। इसमें दाऊद का नाम प्रमुखता से सामने आया था। इसके बाद दाऊद भारत छोड़कर भाग गया था, लेकिन दाऊद की डी कंपनी उसी गति से आगे बढ़ती रही, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद का इंटरनेशनल रसूख और ज्यादा बढ़ गया था। दाऊद ने भारत के अलावा 16 देशों से भी ज्यादा देशों में अपना कारोबार बढ़ाया। इनमें से भारत, दुबई और पाकिस्तान में दाऊद का सबसे ज्यादा कारोबार बढ़ता गया। ऐसा समझा जाता है कि दाऊद ने अपने लिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझा और इसलिए उसने पाकिस्तान को अपना आशियाना बनाया, क्योंकि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण प्राप्त है। आइए अपने दबदबे से सबको डराने वाले दाऊद के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं के जरिए जानकारी हासिल करते हैं। दाऊद की डी कंपनी। भारत का दुश्मन आजादी के बाद से पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान और भारत का संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, इसलिए ऐसा कहा जाता है दुश्मन दुश्मन का अच्छा दोस्त होता है। यही वजह है कि दाऊद इब्राहिम ने अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह पाकिस्तान को चुना, क्योंकि 1993 का सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला दाऊद इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया गया था। आज भी पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ माना जाता है और मीडिया की माने तो आज भी दाऊद इब्राहिम को ISI का संरक्षण प्राप्त है। इस बात में कितनी सच्चाई है, देखिए मेरे सहयोगी की राय। एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने 70 के दशक में पहुंचते पहुंचते सिर्फ भारत ही नहीं विश्व भर के देशों की नजर अपने ऊपर लाकर टिका दी। नाम दाऊद इब्राहिम, नया पता कथित तौर पर कराची, पाकिस्तान। खबरें ये आई कि कुछ दिन पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट पर रोक लग गई, सूचनाओं का आदान प्रदान रुक गया। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जिसको सभी चीजें, जिसने भारत के भीतर पहली बार अपराध को संगठित कर दिया, एक ऐसा सिंडिकेट बनाया जिसमें ड्रग्स डीलिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर सारे काम एक संगठन, एक कंपनी के तौर पर होने लग गए। पहली बार भारत में 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ वो भी डी कंपनी का जो संगठन था वो किस रूप में काम करता है, इस बात को वो स्थापित कर गया। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान चला जाता है दुबई से होते हुए, लेकिन वहां से भी डी कंपनी का काम उसके गुर्गे लगातार भारत में संभालते रहे, संचालित करते रहे। डी कंपनी जिसने फिल्मों का निर्माण भी किया और जो हीरोइन दाऊद को पसंद आ गई और उसको किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने साइन नहीं किया तो उसी डी कंपनी ने उस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का करियर भी ख़त्म किया।
तो यही है कहानी डी कंपनी की, जिसकी नींव रखी डोंगरी से या डोंगरी में पैदा हुए दाऊद इब्राहिम ने। भारत का दुश्मन। भारत और दुबई के बाद दाऊद का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ही है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपने देश में दाऊद को संरक्षण देकर और उसकी मोटी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने देश के विकास में खर्च करता है। इसलिए पाकिस्तान से तस्करी सहित तमाम उन चीजों का सप्लाई भी काफी आसान है, क्योंकि दाऊद का नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ है। देखिए सच बताते एंकर की जुबान। आखिरकार दाऊद इब्राहिम भारत के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों साबित हो गया? आपको बताएं दर्शकों, 1993 में जब बम धमाका हुआ मुंबई के कई अलग अलग हिस्सों में, और उसके बाद लगभग 250 लोगों ने अपनी जान को गंवा दी। आखिरकार इस बात की चर्चा हम आज क्यों कर रहे हैं दर्शकों? पाकिस्तान में पॉइजन देने को लेकर के खबर आती है और उस खबर के बाद तमाम जगहों पर मीडिया चैनलों में इस बात की चर्चा तेज हो जाती है। क्या भारत का दुश्मन दाऊद इब्राहिम मारा गया, और क्या उसको वाकई पाकिस्तान के कराची शहर में जहर दे दिया गया है? आपको बता दें, मुंबई पुलिस में कांस्टेबल रहे एक आम व्यक्ति के घर में जन्मे दाऊद इब्राहिम जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा माफिया कैसे बनकर के उभरा? शुरुआती समय पर छोटी मोटी डकैती, और फिर उसके बाद लगातार वो जुर्म लगातार जो है करता चला गया। आपको बताएं, उसके बाद करीम लाला के गैंग से जुड़ा और लगातार जुर्म की दुनिया में उसने बड़ा नाम कमाया। डकैती, फरौती की बात करें, मर्डर की बात करें, इस तरीके की घटनाओं में लगातार वो मुलविस रहा, और फिर उसके बाद भारत में एक ऐसे जो है बड़े माफिया के तौर पर उसका चेहरा निकल करके सामने आया, जिसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत के खुफिया तंत्र की बात करें, वो लगातार उसकी खोज में लग गए। हालांकि 1993 के बाद आखिरकार जब भारत की खुफिया तंत्र लगातार उसकी खोजबीन में लगी रही, जिसके बाद ये दावा किए जाते रहे कि आखिरकार क्या अब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है, क्या कराची के शहर में रह रहा है, और उसको लेकर के कई बड़े साक्ष्य भी दिए गए थे दर्शकों, जिसके आधार पर ये बातें कही जाती रही कि आखिरकार इस समय जो स्थिति बनी है उसका जिम्मेदार कौन है। और अभी भी ये चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान में जो जहर देने की बात आई है, उसके बाद कराची शहर का इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया, और वहाँ पर इस खबर को सर्कुलेट होने से लगातार रोका गया, उसके बावजूद भी ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान दरअसल इस खबर को छुपाना चाह रहा है, और इसी वजह से अपने उस पाले हुए आप कह सकते हैं आतंकवादी को कहीं ना कहीं बचाने की पूरी तरीके से कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अब भी जारी है। आईएसआई को फंडिंग। आईएसआई की जड़ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में भी देखी जाती है, और दाऊद का बिजनेस भी लगभग कई देशों में फैला हुआ है। इसलिए बिना किसी रोक टोक के दाऊद आईएसआई को अपने संरक्षण के बदले फंडिंग करता रहता है। कई मीडिया आर्टिकल में इस तरह की खबरें आती रही है। लेकिन न्यूज रूम में बैठे मेरे सहयोगी का क्या कहना है? आतंकी संगठन आईएसआईएस का वैसे तो कोई एक ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कहा जाता है कि आईएसआईएस का गढ़ हमेशा से ही पाकिस्तान रहा है। यूं तो आईएसआईएस के कई ठिकाने इसके अलावा पाकिस्तान से अलग भी कई माने जाते हैं, कई देशों में माना जाता है कि आईएसआईएस की जो जड़ें हैं वो गहराई तक फैली हुई हैं, और उन देशों में अपने ठिकाने बनाकर भी आईएसआईएस दुनिया भर में आतंक फैलाता है, लेकिन फिर भी उसका गढ़ पाकिस्तान माना जाता है। ऐसे में दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में शरण देने में आईएसआईएस ने बहुत ही बड़ी भूमिका हमेशा से ही निभाई है, के बदले यहां पर दाऊद ने आईएसआईएस को काफी भारी मात्रा में फंडिंग की। इस बात से हर कोई भलीभांति परिचित रहा है कि किस तरह से 80 और खास तौर पर 90 के दशक में भारत में किस तरह से जो दाऊद इब्राहिम है उसका जो प्रभाव था वो बढ़ता चला जा रहा था, फिर चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, फिर चाहे वो क्रिकेट जगत भी इससे अछूता नहीं रहा, और तमाम तरह से भारत में 90 के दशक में दाऊद की जो यहां पर वजूद था वो बहुत ही गहराई तक बढ़ता जा रहा था, और ये चीज़ साफ तौर पर देखने को भी मिली थी। और इसी के चलते जब जाकर दाऊद पर शिकंजा कसना भारतीय सरकारों ने शुरू किया, तो दाऊद ने निश्चित तौर पर पाकिस्तान में जाकर शरण ले ली थी, और जब दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान का रास्ता अपनाया तो उसे वहाँ पर शरण देने में आईएसआईएस ने शुरुआत से ही बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि आईएसआईएस भी हमेशा से ही भारत के खिलाफ रहा है, और भारत में जब कभी भी जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें कई हमलों में आईएसआईएस ने प्रमुख रूप से जिम्मेदारी भी ली है,
हैं और कहीं ना कहीं इस बात को भी सामने आकर कबूला है आईएसआईएस के आतंकवादियों ने कि हमने कराए हैं आतंकवादी, ये गतिविधियां जो अंजाम दी जा रही है ये हमारे द्वारा अंजाम दी जा रही है। ऐसे में भारत के खिलाफ दाऊद इब्राहिम एक और साथी के तौर पर आईएसआईएस को मिला था, जिसका साथ आईएसआईएस ने बखूबी दिया, तो वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम ने भी यहां पर आर्थिक रूप से आईएसआईएस को काफी पैसा पहुंचाया, जिसका फायदा यहां आईएसआईएस को मिला और उसका इस्तेमाल आईएसआईएस ने भारत के ही खिलाफ किया था। ये चीज कई तरह से देखी जा सकती थी। इसके अलावा जिस तरह से 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का जो यहां पर प्रकोप था, दाऊद इब्राहिम का जो वजूद था भारत में, वो लगातार बढ़ता जा रहा था और फिर जब सरकारें उसे खत्म करने पर आई तो आखिरकार उसने आईएसआईएस की मदद से पाकिस्तान की शरण ले ली। दाऊद का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। भारत और दुबई के बाद दाऊद का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ही है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपने देश में दाऊद को संरक्षण देकर और उसकी मोटी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने देश के विकास में खर्च करता है। इसलिए पाकिस्तान से तस्करी सहित तमाम उन चीजों का सप्लाई भी काफी आसान है, क्योंकि दाऊद का नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ है। देखिए सच बताते एंकर की जुबान। भारत में हुए 1993 के बम धमाके और इंटरनेशनल क्रिमिनल दाऊद की बड़ी इन्वेस्टमेंट हमेशा पाकिस्तान में देखी गई है और इसी इन्वेस्टमेंट के चलते पाकिस्तान में यहां पर आईएसआई और अन्य कई आतंकवादी संगठनों ने यहां पर डॉन दाऊद इब्राहिम को पनाह दी हुई है और लगातार वो भारत से उनको बचाते रहे हैं। जब भी भारत ने यहाँ पर डॉन दाऊद इब्राहिम पर कोई केस चलाने की बात करी या फिर उनको गिरफ्तार करने की बात करी तो मुंबई से वो भाग जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में पनाह ले लेते हैं और पाकिस्तान यहाँ पर जो हमेशा ही जो है पैसों का भूखा रहता है, बाकी देशों से यहाँ पर पैसे मांगता रहता है, कहीं ना कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिल जाती है कि कोई भारत का व्यक्ति आकर जो खासकर इंटरनेशनल क्रिमिनल है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कितने भी बड़े क्रिमिनल को पनाह देने को तैयार है, यही दाऊद इब्राहिम के साथ यहाँ पर देखा गया है। और आपको बता दें कि किस तरीके से अब जो नया मामला जो उनके साथ यहाँ पर जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ही यह साजिश है कि एक नया मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं दाऊद को फिर दोबारा चर्चा में लाया जाए, क्योंकि 1993 के बम धमाके के बाद यहाँ पर दाऊद का सब नाम भूल चुके थे। बॉलीवुड में भी कई विवाद यहाँ पर उस डॉन के जुड़े हुए थे, लेकिन फिर दोबारा मीडिया में चर्चा में वो आ गए हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उनकी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर पनाह उसी वजह से जो है मिलती हुई नज़र आ रही है। और हमने देखा कि किस तरीके से कई लोगों को यहाँ पर हमने भारत में साजिश करने के बाद पाकिस्तान में जाते हुए देखा, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके कोई भी बड़ा आतंकवादी या फिर कोई भी बड़ा डॉन या फिर कोई भी बड़ा क्रिमिनल यहाँ पर छुप सकता है और वही पैतरा यहाँ पर दाऊद ने अपनाया और जो अब तक यहाँ पर काम आ रहा है और इसीलिए भारत की इंटेलिजेंस से डॉन दाऊद इब्राहिम बसता हुआ नजर आ रहा है। भारत में स्क्रूमेंट स्लीपर सेल चलवाना। दाऊद का रसूख बंबई में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक स्लीपर सेल की तरह फैला हुआ है। आज से 10 से 15 साल पहले भारत के उत्तर प्रदेश में दाऊद द्वारा एक सेल चलाया जाता था जिसका नाम स्लीपर सेल था। उस सेल का काम दाऊद के बिजनेस को बढ़ाने और हथियार सप्लाई के लिए किया जाता था। इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। सिर्फ भारत के यूपी ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी दाऊद के स्लीपर सेल एक खुफिया एजेंट की तरह कार्य आज भी कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए बिल्कुल, दाऊद इब्राहिम के बारे में लगातार ये बात पहले भी कही जाती रही है क्योंकि स्लीपर सेल इस तरह से एक्टिव रहा है, उसका इंडिया में नेटवर्क इतना स्ट्रांग रहा है कि बहुत सारे मामलों में उसका नाम आया है। मुंबई हमले तक में कहा जाए तो ये कहा जाता रहा है कि दाऊद इब्राहिम की शय पर या उसको कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत ये पूरे का पूरा जो है जो हमला किया गया था। इसी के साथ में चाहे बॉलीवुड की बात करें या फिर और तमाम जो है उसकी बात करें कि वहाँ पर दाऊद का दखल लगातार देखने को मिलता रहा। 90 के दशक में तो आलम ये था कि हर एक बड़े प्रोड्यूसर और हर एक बड़ी हीरोइन या एक्ट्रेस के पास में उनका फ़ोन ज़रूर आता था फिरौती के लिए और तमाम सारे एक्ट्रेस ने और एक्टर ने इस बात को एड्रेस किया है कि उनको लगातार इस तरह के फ़ोन आते थे, लगातार इस तरह से उनसे कम्युनिकेट किया जाता था और उनको धमकाया जाता था कि मुझे जो है इतना पैसा चाहिए, इतना जो है आपसे कह सकते हैं कि हफ्ता या वो चीज़ चाहिए। तो इसको लेकर पहले से ही एक बना हुआ था माहौल। भले ही दाऊद इब्राहिम जो है इंडिया में नहीं था लेकिन दुबई में बैठकर भी वो पूरे का पूरा कह सकते हैं
हैं कि एक नेटवर्क इंडिया में जो एक्टिव किए हुए था, जो अभी भी ये कहा जाता है कि उसका नेटवर्क इंडिया में अच्छा खासा एक्टिव है, बहुत सारे लोग हैं, राजनीति में भी काफ़ी उसकी पहचान है। तो ये बात लगातार पहले से भी कही जाती रही है कि जो स्लीपर सेल उसका यहाँ पर है वो एक्टिव रहा है, और इसी बात का फ़ायदा जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है ISI वो उठाती रही है, और तमाम सारे जो यहाँ पर उसका कह सकते हैं आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के पीछे कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम का भी दिमाग रहा है। उसको इंडिया के बारे में बेहतर नॉलेज है, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट हमेशा देखने को मिलता रहा है, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए दाऊद इब्राहिम के बारे में, तो जिस तरह से उसने इंडिया के अंदर आतंक मचाया, उसके बाद वो दुबई भाग गया, और फिलहाल जो खबरें हैं, जो लगातार इनपुट हैं कि पाकिस्तान में वो रहता है, बीते दिनों उसके मरने की खबर जिस तरह सामने आई, तो फिलहाल अगर पूरे मसले को देखा जाए तो गाहे बगाहे दाऊद इब्राहिम हमेशा से भारत के अंदर अपनी दखल हमेशा से रखता रहा था। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से कभी यहाँ पर एक्टिव नहीं था, लेकिन उसके जो नेटवर्क के जरिए कहीं ना कहीं वो यहाँ पर दिखाई पड़ता था, और ये बात कई बार जो एजेंसियों ने इस बात को कहा है। दाऊद एक ऐसा नाम है जिसने इंटरनेशनल डॉन के नाम पर ढेर सारी सुर्खियां बटोरी और इंटरनेशनल आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया। दाऊद के नाम पर कई सारी फिल्में और वेब सीरीज भी बनाई गई, लेकिन आज दाऊद का कारोबार चाहे अरबों में हो, लेकिन आज वो एक भगोड़ा आतंकवादी है जिसे भारत की एजेंसियां ढूंढ रही हैं, और आज उसे एक इंटरनेशनल क्रिमिनल माना जाता है। यही वजह है कि कोई देश उसे अपने देश में होने से मना करता रहता है। भारत कई बार इंटरनेशनल मंच पर दाऊद का पाकिस्तान में होने का दावा करता है, लेकिन पाकिस्तान आज भी मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि दाऊद को जहर दे दिया गया है। वो कराची के हॉस्पिटल में भर्ती है और वहाँ का इंटरनेट सेवा भी कुछ समय के लिए ठप कर दिया गया था। ये भी खबर आई कि दाऊद को जहर देने वाला मारा गया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी दाऊद को पाकिस्तान में होने से मना कर रहा है। दाऊद की मौत की खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा या नहीं, ये पाकिस्तान की ईमानदारी पर निर्भर करता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या दाऊद को सच में जहर दिया गया था? क्या दाऊद अभी भी पाकिस्तान में है? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।